DHM Music presents DHM Music ब्रह्म जीता ब्रह्म जीवगा झूठी बोर मजीवगा क्या की बोर मानना है बोर मानना रूप जवानी की जबकि निश्चित है कि एक दिन ये जरूर ही निश्चित ही ढल जाएगी। रूप जवानी की बोर मानना जबकि निश्चित है ये सदा नहीं रहेगी एक दिन ढल जाएगी। फिर बोर मानना माना से ताकत की ये निश्चित है कि ये ताकत भी समान नहीं रहेगी इसीये नहीं रहेगी। अरे नया बुढ़िया बैठी तब पूछ ले आई जब इसीये थी इन नवी मुंह दिखाई मिली थी कदा इन ला रही मुंह था इनका। ताकत की बोर मानने से मानस हुआ निश्चित है एक दिन डल जाएगी। दंदौलत की बोर मानने से डल जाएगी ना गैल नहीं जागी छोड़ के जानी पड़ेगी। बचन गला पता के उठेगा लकड़ गया ज्ञान होया जब जीवन की सच्चाई का त्रिज उठी बोर बनाई का बखत लकड़ी का ज्ञान होया फिर जीवन की सच्चाई का। 40 साल की उम्र तो मेरी होली है को 50 का भी होगा को 60 का भी होगा 70 का भी होगा। जरा ठंडे दिमाग से सोचना जितने साल इस धरती पर बिता दिए इतने और ना रह रहे अरीब तक के बाण मार दिया और बच्चे उड़ मके कर लोगे। वो 50-60 साल जिसकी उम्र होली है टाइम तो थोड़ा ही रह गया आज तक क्या नहीं कर पाए। अरे जागना पड़ेगा ये ब्रह्म जगाना पड़ेगा शुरुआत करनी पड़ेगी और जिस दिन शुरुआत करोगे वो ये पहला दिन होगा कदे तो करनी पड़ेगी। अग्नियों बावड़ भेट हम चलने जाएंगे। 84 लाख योनियां ये सनातन धर्म कहता है कि 84 लाख योनि है और एक इंसान का जो चोला ये भी 84 लाख में से एक है। ये इंसान की योनि में दो दरवाजे हैं एक दरवाजा मोक्ष की तरफ खुलता और एक दरवाजा फिर वापिस 84 लाख की तरफ खुलता। और किसी भी योनि में मोक्ष संभव नहीं है केवल इंसान की योनि में संभव है। और सजनों एक दिन भी एक योनि में काटना पड़ गया जब भी 84 लाख दिन में पेंडा छूटेगा नहीं बता दो कै साल हो जाएंगे 365 दिन का एक साल हो जाए। और एक दिन उस दिन वो यार उसे दिन मर गया एक दिन भी एक योनि में रहना पड़ा जब भी 84 लाख दिन बनेंगे। हर जा कछुआ बन गया था 350 साल की उम्र है और सांप वाली नंबर आ गया था 2100 साल की सांप की। अरे कितना अनमोल आदम दे चोला उस परमात्मा ने इस इंसान को दिया। मोक्ष ना हो संभव कम से कम ईसा कर्म तो जरूर हो गया अटका मनुष्य बने। 24 घंटे का एक दिन है तो किसी के लिए रहम नहीं है। 2 सेकंड भी ना बढ़ाता 2 सेकंड भी 24 घंटे होते हैं पेज पलट देगा एक दिन खत्म अगला चालू उसमें कोई रियायत नहीं है। अरे हर चीज आश्चर्य पर खड़ी है। जरा चेतन लक्ष्मी चंद वेद का लेख सृष्टि को ज्ञान ध्यान से देख ज्ञान बुद्धि ध्यान सूरत मन की आंखों से सारा संसार जीता।
आदमी का जन्म विचित्र है, और ना कभी सोच कर देख लेना, एक बूंद से गर्भ ठहर जाता, एक बूंद से गर्भ ठहरे और 9 महीने की प्रक्रिया में सारे अंग विकसित होके आंख नाक कान माथा सर हाथ पांव सांप जम बन के और 9 महीने में मृत लोक में जन्म लेता। अरे कोई कारीगर तो सह भीतर जो पुतले ने गढ़े है, किसने तो भीतरियों गढ़ाए है। अरे एक बूंद से गर्भ ठहरता और एक बूंद से खाल भी बने, मांस भी बने, मज्जा भी बने, रक्त भी बने, नस भी बने, नाड़ियां भी बने, और तोर जुलम देखो आठ भी भीतरे गाल दिए, किस रास्ता गाल दिए किसने देखे नहीं। जब पैदा हुआ जब आठ भीतरे पाए, इस शरीर में 206 हड्डी, उससे बड़ा को आर्किटेक्ट नहीं है, उससे बड़ा को इंजीनियर नहीं है। एड्डी तो चोटी ताई 206 हड्डी और 206 की जैसी फट कर रखी है। डाड़ा कौन ही गोल चाहिए तो गोला गाल रखी है, अरे लंबी चाहिए तो लंबी, अरे गोडे पर कटोरी ही चाहिए तो कटोरी बना रखी है, आंगड़ी 3-4 जगह तो मुड़े हैं। जुलम की बात है, अरे एक में भी टूट फूट होगी ना, ऐसा मत आटी जुड़ेगी वह सूती जुड़े नहीं, क्यों मार तो रहे उजार है कौन है जिससे वो ले रहा जिस तवे गाली थी, ऐसा मत आटी जुड़ेगी किसी ने घने रुपये ला के ऑपरेशन करवा के सूती भी करवा ली, तो सारी उम्र उसने दापे हंडे जागा पर वह चलेगी पिछवा चलेगी सारी उम्र वह दुख की वह सेटिंग नहीं आओगी जो उसने करी थी, वो सिस्टम नहीं बावड़ेगा होगा। ये बालक पैदा हुए पाछे फिर दे नौजवान साथी हैं, दुनिया की हर एक चीज इंसान को देख के बनाई, पूरे ब्रह्मांड की नकल ये इंसान है। ये नौजवान साथी जींस की पैंट पहन आ रहे हैं, उसने न्यू कहा स्ट्रेचेबल है, हाँ भाई स्ट्रेचेबल के हो जाए न्यू कहेंगे इसने कितना मोटा आदमी पहन लिया पाटक होने बध जा गया, ये स्ट्रेचेबल जींस। हर मानस जब बच्चे का जन्म हो फिर उसने न्यू कहेंगे यो बदन पड़ रहा है के बदा से शरीर में यो कद लेकर है के बदा से ये हाट बदा है, और मैं इतना तो बध गया इतना और बध जाए या खाल स्ट्रेचेबल है या पाटक होने या और बध जाएगी, यही तो खेल है। पहले नंबर पे ओए एक बूंद से गर्भ बनाया, एक बूंद से गर्भ बनाया, तन कारीगर कर तार तन, पांच तत्व और 3 गुणों से जो करया पुतला तैयार तन, पांच तत्व और 3 गुणों से खून की गारतन, इस 206 का जोड़ में लाया जब के पर ते चार तन, 206 का जोड़ में लाया संग, सत्य का संग, यहां जो भी चर्चा होगी वो सत्य पर खड़ी होगी, सत्य पर आधारित होगी, जो भी तर्क होगा वो तर्क के आधार पर होगा, झूठी लला 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 नहीं, माचा जी शांति से के ये आंखें देखती हैं, सारा संसार दिखाई देता, कभी सोच के देखना कौन देखे है, कौन देखे है, ये आंख भी किसी ने दिखा रही होंगी को आभास भी तो कर रहा होगा, ये कान सुना है कौन सुना है, देख कान्ना मोरे भीतर न कर रखे हैं, कदे किसी ने इस काया का गुमान हो रहा हो, भीतर बैठा को और सुना है, कदे इसने मान रहे हो क्यों, देखना मानस तो सो भी जा है,
मानस तो सो भी जा सा, हर इंद्री आराम करने के लिए चली जाती, धड़कन फिर भी धड़क रही है, सांस फिर भी चल रहा है, मानस सो गई है, कोई मोटर तो चल रही है, जो सांस न चला रही है, कोई मोटर तो चालू है, हर जब मोटर पड़ जाए तो एक हफ्ता खाते रे, मशीनरी है फिर खा लो भंडारा। दुनिया की हरेक मशीनरी इंसान को देख कर बनाई, ये भी भंडारे का कार्यक्रम है, किसी का ब्याह शादी होगा फिर वो टम्पो में लेकर जागा सामान और बाजार में जाकर नहीं कहगा भाई ये टमाटर पिसवाने कौन कहा वो पिसेगा, अब पालक पिसवानी है बोले वो पिसेगा दीपक, और फिर नहीं कहा भाई ये मसाले पिसवाने हैं या दाल पिसवानी है नहीं कहूँगा वो फलाना चाकी ला रहा वो पिसेगा, सबकी नरनरी चाकी नरनरी मशीन। राम ने एक ही चाकी ला रहा कि जब मानस के में टमाटर गेर दो, पालक गेर दो, मसाला गेर दो, दाल गेर दो, खट्टा गेर दो, मीठा गेर दो, थरीएक्स नंबर थरीएक्स रम गेर दो, पानीपत नंबर एक गेर दो, जगह धरी गेर दो, मैकडोल गेर दो, रोल सटैक गेर दो, चम्मा गेर दो, या एक का चाकी है सब क्या ने फफेट दे ही ना दो और क्या है जरूरत ना है। सुने मेरा नहीं समझ में आ रही है, कौन बोल रहा कौन सुने मेरा नहीं समझ में आ रही है, सांस का आना जाना रे देखो, सांस का आना जाना रे देखो, 24 घंटे जारी है, फिर सब क्या पीस गिरा चाकी ने किसे पाने पाप नारी है, सब कम पीस किसे पाने पाप नारी है, और एक मिनट भी रुकता कोना, एक मिनट भी रुकता कोना, नहीं उसका काम पैसाई का भगवान, कड़े में लगाओ ये माता जी 100 रुपए से आशीर्वाद बच्चों को देती है, बार बार नमस्कार, फिर एक न्यू का दिया बोले वह ऊपर ला करेगा क्या मैं करेगा जो इतनी कहते फिर वो ऊपर ना लिखाओगा जनू राम बादला मरे है, सब तुम ऊपर नहीं लिखाओ जनू राम बादला मरे है, मगा हाँ रहे है अम्मी आओ समा राम मुत्त है जब आओ समा कौन सा है ऊपर ला यो ये सोचने की जरूरत है ऊपर ला कौन सा है, उस परमात्मा से रिस्क है, देख जो कर मटके के तले बासन के तले तो पानी की बूंद नहीं रिस्क के टप क्या करे, उस परमात्मा की एक टपकी हुई बूंद ही तो ये आत्मा है, उस परमात्मा की एक बूंद ये आत्मा है, और ये शरीर की सबसे साफ सुथरी ये जगह है, ईश्वर का यही वास है, यो ऊपर ला है कदे ऊपर न लखा रहे हो, ये तो ब्रह्मांड का ही तो रूप है, सारा ब्रह्मांड ही है ये ऊपर न दो आड़ रहे है, और फिर सारा देश ही भाई ने बबलू कहे है, उसने सुभाष कहे है, उन्हें रमेश कहे है, इन्हें भतेरी कहे है, इन्हें रत्नी कहे है, इन्हें सूदा कहे है, इन्हें राम प्यारी कहे है,
ये बबलू रामचंद्र राम प्यारी गेंदोड़ी सरती भरती ये थोड़ा सा ये धाम ने इस दुनिया में इस पुतले का नाम धर लिया पहचान करने के लिए कि यो पुतला बबलू के नाम तो जाना जाएगा, यो रामचंद्र के नाम तो जाना जाएगा, यो रमेश के नाम तो, सुरेश के नाम तो हमने तो रखा था यो नाम, न तो पछ के मोर थे रख के मोर हो जाएंगे इसमें की। और एक छोटा सा सवाल है, ये तो यहाँ नीमलावाड़ा बाबा हुए, उनकी ये समाधि उनकी तप सतली, ये तो उनकी समाधि बनी हुई, और भारे भारे मंदिर जिस तरह घने रपिए और बड़ा मंदिर बना दे है, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च क्यों बनाया जा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च क्यों बनाए जा है? कोई नास्तिक आदमी हो अरवन्यू का जो कड़े सा भगवान उनका विश्वास बनान खातिर उनका हाथ पकड़ ले जाओ, उनको तो देख आड़ रहे है भगवान, फिर वो लखा हुआ अच्छा ऊंचा शवाला दी खचोड़ी जगह उसका न्यू चच जाली भैया तो रहता ही होगा। हाथ जोड़ के एक छोटा सा सवाल है, क्या भगवान उस चार दीवारी में रहते हैं? वो चार दीवारी तो बाहर नहीं भगवान, वो चार दीवारी के भीतरे भीतर है। एक मूर्ख आदमी का विश्वास न्यू बन जा के हाँ भगवान रहे, न तो भगवान है तो हर जगह है, चार दीवारी के अंदर भगवान नहीं है। कैसे तीसरे नंबर पर क्या दर्शाया क्या लिखा? मस्जिद गुरुद्वारे में या दुनिया ढोल बजाए रही, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में दुनिया ढोल बजाए रही, वो ये मन का राज हुआ दुनिया में, वो मन का राज हुआ दुनिया में, सृष्टि धोखा खाए रही, यो बुद्धि रूप स्वार्थ का उसे या खुद का स्वार्थ चाहे रही, बुद्धि रूप स्वार्थ उसे खुद का स्वार्थ चाहे रही, अरे सच्चा ज्ञान कहा संतों ने, सच्चा ज्ञान कहा संतों ने, इस श्रुता की चतुराई का होया।
the bell icon on the YouTube app and never miss another update.